السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفاء وسلام على عباده الذين استفاء ما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أو كما قال الله تعالى महतरमदनी व इस्लामी भाइयों नौजवान साथियों बुजुर्गों वैसे तो इस्लाम हमें और आपको हर उस बुराई से बुरी आदत से और बुरे अखलाक से रोकता है जो समाज माशरे सोसाइटी के लिए नुकसानदेह साबित हो लेकिन खसूसी तौर पर बदगुमानी एक ऐसी बुराई है कि जो इंसान की अपनी जात से लेकर यानी जिस इंसान में बदगुमानी हो उसकी अपनी जात से लेकर समाज सोसाइटी ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं बिगड़ जाती हैं अगर किसी इंसान में बदगुमानी हो तो ऐसा बदगुमान शख्स अपने आस पास अपने माहौल और जिस समाज और माशरे में रहता है पूरे समाज पूरी सोसाइटी को जो है क्या है बिगाड़ कर रख देता है वो कैसे इन शाह आगे इसको हम समझेंगे इसलिए कि देखिए बदगुमानी जो है जब इंसान किसी की शख्सियत से या किसी से जब बदगुमान होता है या बुरा ख्याल उसके मुतालिक अपने जहन में रखता है तो फिर वो धीरे 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 धीरे, धीरे दूसरे बुराइयों में और गुनाहों के दूसरे जो है दलदल में फस्ता चला जाता है वो अपने गुमान को सच साबित करने के लिए और अपने गुमान की तस्दीक के लिए और अपने दिल की तसल्ली के लिए वो क्या करता है वो उस आदमी के टोह में लग जाता है जिसके बारे में इसने अपने जहन के अंदर बदगुमानी पाल रखी है वो उसके टोह में लग जाता है उसके बुराइयों को टटोलता है उसकी तनहाई में गौर फिक्र करता है उसकी ज़िंदगी का मुशाहिदा करता है और ख़ुद उसकी टोह में लगता है और बकिया लोगों को क्या करता है उसकी टोह में लगा देता है फिर अपनी इस बदगुमानी को जो उसने अपने अंदर पाल रखी है उसको सच साबित करने के लिए उसकी तस्दीक के लिए वो क्या करता है कि कुछ लोगों में जहाँ वो उठता है बैठता है वो उसकी बुराई शुरू कर देता है कि फ़ला मुझे ऐसा लगता है फला के बारे में मैंने ये सुना है फला को मैंने यहाँ से आते हुए देखा फला को मैंने वहाँ से जाते हुए देखा फला के साथ मैंने फला को देखा है तो वो क्या करता है अपने इर्द गिर्द उठने बैठने वाले लोगों में उस आदमी का तस्करा शुरू कर देता है उसकी गीबत शुरू कर देता है तो ये जो बदगुमानी है वो क्या है इंसान धीरे धीरे दूसरे गुनाहों में फस्ता चला जाता है इसीलिए कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखिए बड़ी तरतीब से और अल्लाह ताला ने बड़े प्यारे उसलू में इसको बयान किया कि किस तरीके से बदगुमानी के बाद यह के बाद गए इंसान गुनाह में फस्ता चला जाएगा इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले क्या कहा इस तनीबु कफ़ी कि ऐ ईमान वालों बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो यानी गुमान के बुनियाद पर ना तो कोई बात करो ना कि किसी शख्सियत को परखो ना किसी के बारे में राय कायम करो ना कोई फ़ैसला करो यकीन के बुनियाद पर बात कहो तो यकीन के बुनियाद पर राय कायम करो तो यकीन के बुनियाद पर, तो पर दलील के बुनियाद पर इस तरीबो कफ़ी अमीनतन बहुत ज़्यादा गुमान करने से कि मुझे ऐसा लगता है मुझे फला के बारे में ये डाउट है मुझे फला को मैंने यहाँ देखा वहाँ यानी गुमान बहुत ज़्यादा गुमान ना करो फ़िन बान इसम इसलिए कि बाज गुमान ये गुनाह हैं जिसको बदगुमानी कहते हैं बास गुमान ये गुनाह है वला तजस्सु देखिए बदगुमानी के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसका जिक्र किया वला तजस्सु इसलिए कि बदगुमानी के बाद जैसा कि मैंने कहा इंसान अपनी बदगुमानी अपने गुमान को सच साबित करने के लिए क्या करता है दूसरे के टोह में उस आदमी के टोह में लग जाता है उसकी जासूसी करता है खुद करता है दूसरों करवाता है तो कहा अल्लाह ने वला तजस्सु और जासूसी ना करो किसी की बुराई के पीछे ना पड़ो वला तजस और उसके बाद फिर जैसा कि मैंने कहा फिर वो अपने हवारी में दोस्त अहबाब में क्या करता है फिर उस आदमी की बुराई का तस्करा करता है और गुमान की बुनियाद पर उस आदमी की बुराई करता है तो अल्लाह ने आगे क्या कह वाला यगतब बादा। और तुम में से कोई किसी की गिब्बत ना करे आगे अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त इंसान को एहसास दिलाते हुए कि जरा तुम खुद महसूस करो अपने बारे में सोचो अयुब अहदुकुम मैतन तुम। क्या तुम पसंद तुम पसंद करोगे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ इस वजह से जिसकी तुम बुराई कर रहे हो गिरबक कर रहे हो वो ऐसा ही है जैसे मुर्दा है जिस तरीके से मुर्दे के से तुम गोश्त नोच नोच के खाओ तो उसको पता नहीं उसको खबर नहीं इस वजह से एक आदमी के पेट के पीछे जो तुम बुराई कर रहे हो आदमी वो आदमी वैसा ही है वो मुर्दा ही है उसको कोई पता नहीं कोई खबर नहीं तुम क्या कर रहे हो वो होता तो शायद तुमको सफाई देता वो होता उसके सामने तुम कोई बुरी बात करते तो वो अपना दिफा करता अपने हक़ हाँ में कुछ बोलता लेकिन वो तो ऐसे ही जैसे मुर्दा है तो क्या तुम ये पसंद करते हो कि तुम अपने मुर्दे भाई का गोश्त कहो फ़करी तुम हो नहीं पसंद करोगे तुम तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया है कि बदगुमानी से रोका है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इयाकुम कियाकुमकबन कि बचो बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो इयाकुम याकबन न हदीस इसलिए कि यह गुमान ज़्यादातर झूठी होता है तो ये सूरह हुजरात की एक आयतः करीमा है और बात को ख़त्म करने से पहले मैं एक गुजारिश करूँगा कि यह आयत करीमा चूँकि सूर हजरात में है और ये सूर्य हजरात माशरे सोसाइटी के असलाह के बहुत अहम पहलुओं पर बात करता है इस सूरह के अंदर अल्लाह रबुल्ज़त ने सोसाइटी डेवलपमेंट पर अल्लाह ने बहुत मतलब बुनियादी बातें बयान की हैं लिहाजा इसको जहाँ गैदरिंग है जहाँ कुछ लोग रिहाइश के एतबार से काम करने के एतबार से या हमारा जो सोसाइटी समाज है वहाँ हम जो बहुत सारे कवानीन रूल एंड रेगुलेशन जो लिखते हैं ना हिदायत लिखते हैं ना कि यह सोसाइटी के ये रूल है ये उसूल है वहां इसको भी रखना चाहिए हर मुस्लिम सोसाइटी को क्या है सूर हजरात कुरान मजीद की इस आयात के अंदर अल्लाह रबुल्ज़त ने माशरे को जो हिदायत दी है पैगाम दी उसको हमको लिखना चाहिए उस तरह फहरस्त लिखना चाहिए वहाँ रखना चाहिए कि अल्लाह ताला कुरान में सूर्य हजरात में इन इन बातों का जिक्र किया है लिहाजा समाज और सोसाइटी में ये ये ख़ूबियाँ होनी चाहिए हमारा सोसाइटी हमारा समाज इन इन कामों से बचे अल्लाह ताला से तुआ मेरे भाई कि अल्लाह ताला मुझको और आपको जो अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन असलम वरह वरक ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताबो सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जज़ाक खैरन